स्टूडेंट कैसे हैं, मैं अतुल सर। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीजल वर्ब पार्ट वाई पार्ट। जिस प्रकार मैंने आपको ओकैप्स के पार्ट वाई पार्ट डिस्कस किए हैं, जिस प्रकार मैंने आपको ग्रामर के पार्ट्स डिस्कस किए हैं, उसी प्रकार अब मैं इडियम और फ्रीजल वर्ब्स के भी पार्ट वाइज डिस्कस करूंगा। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, इसी प्रकार से आगे पार्ट में बनाता जाऊंगा और वो फ्रीजल वर्ब डिस्कस किए जाएंगे जो अभी तक सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं या आगे आने वाले एग्जाम्स की ज्यादा उनकी संभावना है, वो चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो। और आप इसी प्रकार मेरे साथ कोऑपरेट करते चलिएगा तो चीजें और अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। तो आज हम फ्रीजल वर्ब पार्ट वन डिस्कस करेंगे और वो फ्रीजल वर्ब्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ज्यादातर पूछे गए हैं, उनको आज हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा हम गौर करें, देखते हैं पहला फ्रीजल वर्ब। देखिए बेटा, एक चीज ध्यान रखना, फ्रीजल वर्ब का प्रयोग कभी कभी नाउन की तरह करेंगे। जब फ्रीजल वर्ब का प्रयोग हम नाउन की तरह करेंगे तो दूसरा मतलब देता है, और जब फ्रीजल वर्ब की तरह करेंगे तो दूसरा मतलब देगा। जब नाउन की तरह यूज करोगे तो दोनों एक साथ जुड़े होंगे, और जब फ्रीजल वर्ब की तरह यूज करोगे तो मेन वर्ब अलग होगा और उससे जुड़ा हुआ जो भी प्रीपोजिशन होगा या अदर वर्ड होगा वो अलग होगा। जैसे यहाँ पर एक लिखा बच्चे आपका ब्रेकआउट, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये ब्रेकआउट एक नाउन भी होता है। आप गौर करेंगे यहाँ पर जो बेटा ब्रेकआउट होता है ये नाउन होता है, और जब ब्रेकआउट का प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं तो इसका मतलब आप लिख लेना। जब हम ब्रेकआउट का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं तो इसका मतलब लिख लेना, कैदी का जेल से भागना, कैदी का जेल से फरार होना, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट। और एक बच्चे आपका आउटब्रेक भी होता है, उस पर भी आप गौर करेंगे, आउटब्रेक। अब ये जो बेटा आपका आउटब्रेक होता है, देखिए दोनों वर्ड हमने लिखे हैं, ये आपका होता है सडन ओपनिंग के लिए लगाते हैं, एकदम से किसी चीज का चालू होना सडन ओपनिंग के लिए यूज करते हैं क्या, आउटब्रेक। आउटब्रेक ऑफ एंगर, एकदम से आप खिसिया आ जाते हैं, एकदम से आग बबूला हो जाते हैं, एकदम से दर्द चालू हो जाता है, एकदम से ज्वालामुखी का फटना होता है, एकदम से आप भावुक हो जाते हैं, वहां पर यूज करते हैं आउटब्रेक। और जो ब्रेकआउट आपका होता है, कैदी का जेल से भागना, कैदी का जेल से फरार होना, उसके लिए यूज करते हैं आपका क्या यूज करते हैं, ब्रेकआउट। और ये जो बेटा ब्रेकआउट लिखा है ये फ्रीजल वर्ब है, और ये जो ब्रेकआउट होता है इसका मतलब होता है स्टार्ट सडनली। स्टार्ट सडनली का मतलब होता है किसी चीज का एकदम से चालू होना, कहने का मतलब किसी चीज, जब कोई चीज बड़े स्तर पर घटित होती है, जब कोई चीज बड़े स्तर पर घटित होती है तो वहां पर हम यूज करते हैं क्या, ब्रेकआउट। मतलब घटित होना होता है, किसी चीज का बड़े स्तर पर होना या किसी चीज का बड़े स्तर पर घटित होना, उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। जैसे महामारी फैल गई है, एपिडेमिक हैज ब्रोकन आउट, कोरोना वायरस फैल गया है तो COVID-19 हैज ब्रोकन आउट, इस प्रकार से कह सकते, दंगे हो गए हैं, रॉयड्स है ब्रोकन आउट। तो ब्रेकआउट का प्रयोग यदि फ्रीजल वर्ब की तरह करते हैं तो इसका मतलब आपका होता है किसी चीज का बड़े स्तर पर फैलना, ध्यान रखना ब्रेकआउट। और ये जो बेटा ब्रेकआउट लिखे हमने, ये दोनों नाउन होते हैं, गौर करना। और ब्रेकआउट जब नाउन की तरह यूज करेंगे तो इनका भाव बदल जाता है। जो ब्रेकआउट होगा, कैदी का जेल से भागना, आउटब्रेक का मतलब होता है एकदम से किसी चीज का चालू होना। इसके बाद दूसरा फ्रीजल वर्ब बेटा हम देखते हैं टेक आफ्टर। अब जो बेटा टेक आफ्टर होता है उसका मतलब होता है अनुकरण करना, एक जैसा मिलता जुलता होना। मतलब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक जैसा सेम मिलता जुलता है, हम उसको क्या कहते हैं, टेक आफ्टर कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे कहा जाए तुम अपने माँ बाप पर गए हो, यू हैव टेकन आफ्टर योर पेरेंट्स, तुम अपने भाई पर गए हो, यू हैव टेकन आफ्टर योर ब्रदर, तुम अपनी माँ पर गए हो, यू हैव टेकन आफ्टर योर मदर। तो टेक आफ्टर का मतलब ध्यान रखेंगे रिजेंबल करना होता है, अनुकरण करना होता है। तुम पता नहीं किस पर चले गए हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, टेक आफ्टर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बेटा अगला थर्ड जो आपका फ्रीजल वर्ब लिखा है, गिव अवे। अब वैसे तो गिव का मतलब होता है देना और अवे का मतलब होता है दूर, तो इसके दो मतलब बेटा ध्यान रखना, गिव अवे के दो मतलब होते हैं। एक होता है इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसका मतलब होता है बांटना, और एक इसका मतलब आपको होता है रिवील, रिवील का मतलब होता है खुलासा करना। अब जैसे कहा जाए कि डीएम साहब ने बच्चों को प्राइज बांटे, तो डीएम हैज गिवन अवे प्राइजेस टू द स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखेंगे गिव अवे, मतलब गिव माने देना, अवे माने दूर के लोग। देखा होगा इस समय COVID-19 में जो दूर दूर से मजदूर आ रहे हैं लोग, उनको क्या सामग्री वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो गिव अवे का मतलब होता है बांटना होता है, और एक होता है खुलासा होना। और खुलासा भी हो रहा है कौन काम कर रहा है, कौन इन चीजों को बांट रहा है, कौन कौन लोग सामाजिक
कार में आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को मानवता के तहत, तो इसके मत दो मतलब ध्यान रखेंगे, गिव और बांटना भी होता है, खुलासा करना। अब बेटा देखिए ड्वेल ऑन का मतलब होता है किसी मुद्दे पर कुछ बोलना या लिखना। ड्वेल ऑन का मतलब होता है किसी मुद्दे पर कुछ बोलना या लिखना। जैसे कहते हैं ना, मैं इस मामले पर कुछ बोलना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू ड्वेल ऑन द इशू। मैं इस मामले पर कुछ लिखना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू ड्वेल ऑन द इशू। तो ड्वेल ऑन का मतलब देखिए ड्वेल का मतलब बेटा होता है रहना। ड्वेल का मतलब क्या होता है? रहना। और ऑन लगा दिया तो बेटा ये क्या ऑन है? प्रीपोजिशन। तो ध्यान रखना, जब हम कोई मेन वर्ब लेते हैं और प्रीपोजिशन लेते हैं और फ्रेजल वर्ब की तरह यूज करते हैं तो पूरा वो सेंस देता है, पूरा मीनिंग देगा, ध्यान रखना। अगर यही प्रीपोजिशन आपका होता, अगर यही आपका प्रीपोजिशन होता तो ये रहने का सेंस देता। ये जो ड्वेल ऑन है फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब में ऑन और जो भी मेन वर्ब आप यूज करते हैं वो पूरा सेंस देता है, लेकिन अगर मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो ड्वेल माने रहना, ऑन माने कहीं ऊपर आप अगर रहते हैं तो उसके लिए आ जाएगा ड्वेल ऑन दैट प्लेस। ओके, ये ध्यान रखना। तो ड्वेल ऑन का मतलब होता है किसी मुद्दे पर बोलना या कुछ कहना। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है प्रभावित करना। जैसे आप उनको एक्ट ऑन नहीं कर पाए, आप उनको प्रभावित नहीं कर पाए। एक्ट मतलब होता है काम, ऑन माने पर। आप किसी के ऊपर बेटा काम तभी कर पाएंगे आप किस जब आप उसको प्रभावित कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप 50 लोगों को अपने अंडर में काम कराएं, उनके ऊपर अपना इंप्रेशन कर पाएं, तो बेटा एक्ट ऑन करना पड़ेगा। तो एक्ट ऑन होता है प्रभावित करना, इंप्रेस करना। एक्ट माने काम करना, ऑन माने किसी के ऊपर मतलब इंप्रेशन डालना, प्रभाव डालना होता है, उसके लिए यूज करते हैं एक्ट ऑन। नेक्स्ट वर्ड बेटा देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्ट अपॉन लिखा है। एक्ट अपॉन में सीधे सीधे आपको ध्यान ये रखना है, इसका मतलब होता है किसी के सुझाव पर काम करना। जैसे कहा जाए बेटा जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा, या आपके अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें करूंगा, आई विल एक्ट अपॉन यू, मैं आपके अकॉर्डिंग सब कुछ करूंगा, तो आई विल एक्ट अपॉन यू। तो एक्ट अपॉन माने होता है किसी के सुझाव पर काम करना होता है। आप इस चीज पर गौर देंगे और समझेंगे। तो एक्ट अपॉन किसी के सुझाव पर काम करना, और एक्ट ऑन का मतलब होता है इंप्रेस करना, होता है प्रभावित करना। इसके बाद बेटा लिखा है अकाउंट फॉर। अब जो बेटा अकाउंट होता है इसका मतलब होता है अकाउंट, तो आपने सुना होगा, आप लोगों का अकाउंट भी होगा। अकाउंट फॉर का मतलब होता है जवाबदेही होना, जिम्मेदारी होना। अकाउंट फॉर का मतलब जवाबदेही होना, जिम्मेदारी होना। सीधी सी बात, यदि आपका अकाउंट है, आप कितना पैसा उसमें जमा कर रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, ये जवाबदेही किसकी होगी? आपकी होगी। कितना पैसा आपके अकाउंट में कहां से आया, कैसे आया, तो यदि आपका अकाउंट है तो आपको इसके लिए जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो अगर इस सेंटेंस में यूज करेंगे कि आपकी बदतमीजी के लिए मेरी जवाबदेही नहीं होगी, तो आई विल नॉट अकाउंट फॉर योर इंसोलेंस, आपकी असफलता के लिए मेरी जवाबदेही नहीं होगी, तो आई विल नॉट अकाउंट फॉर योर फेल्योर। ध्यान रखेंगे अकाउंट फॉर का मतलब होता है जवाबदेही होना। और इसी से बेटा आपका बना है अकाउंटेबल। अब ये जो वर्ड आपका लिखा है अकाउंटेबल, अकाउंटेबल अकाउंट से बना है, इसका मतलब होता है जिम्मेदार। ये जो वर्ड आपका लिखा है अकाउंटेबल, इसका मतलब ध्यान रखेंगे क्या होता है जिम्मेदार, कि आप एक अकाउंटेबल पर्सन है, आप एक जिम्मेदार प्राणी है। यू आर एन अकाउंटेबल मैन या अकाउंटेबल पर्सन। नेक्स्ट बेटा जो आपका लिखा हुआ है आस्क फॉर। देखिए आस्क माने बेटा क्या होता है? कहना। फॉर माने क्या होता है? के लिए। यदि आप किसी चीज के लिए कह रहे हैं तो इस चीज के लिए आप बेटा क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। तो आप सीधा लिखेंगे डिमांड, मांग करना। आई आस्क फॉर दिस थिंग, मैंने इन चीजों के लिए मांग की थी। अब सीधी सी बात है, आस्क माने कहना, फॉर माने के लिए। और यदि किसी चीज के लिए आप कह रहे हैं तो इस चीज को आप क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं, मांड कर रहे हैं। उस नेचर में आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगला बेटा लिखा है आस्क आफ्टर। देखिए आस्क आफ्टर होता है, इसको सीधा हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में नोट कर लें, आस्क आफ्टर माने होता है हालचाल लेना, कि मैंने अपने मित्रों का हालचाल लिया। आई आस्क्ड आफ्टर माय फ्रेंड्स। और उसका जो सिनोनिम्स बेटा देखिएगा इंक्वायर आफ्टर, और इंक्वायर आफ्टर का मतलब बेटा आपका होता है एक प्रकार से होता है हालचाल लेना। तो आस्क आफ्टर, इंक्वायर आफ्टर, दोनों का मतलब होता है हालचाल लेना, कि मैं अपने मित्रों का हालचाल लेने गया था। आई वेंट टू आस्क आफ्टर, आई वेंट टू इंक्वायर आफ्टर माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो बेटा आपका फ्रेजल वर्ब लिखा है ब्रेक इनटू। देखिए ब्रेक माने क्या होता है? तोड़ना। और देखिए इनटू आता है जब कोई चीज आप गति से अंदर प्रवेश करती, तो तोड़ने के बाद क्या कर गया? अंदर प्रवेश कर गया, मतलब होता है चोरी करना। किसी के घर में सेंध लगाने के लिए यूज करते हैं ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी करना, कि आपने उसके घर में सेंध लगा दिया। यू ब्रोक इनटू द हाउस ऑफ दैट मैन, कि आपने मिश्रा जी के घर में सेंध लगा दिया। यू ब्रोक इनटू द हाउस ऑफ मिश्रा जी। तो बेटा ब्रेक इनटू का मतलब ध्यान रखेंगे चोरी करना, या किसी के घर में सेंध लगाने के लिए यूज करते हैं, ब्रेक इनटू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखेंगे, लिखा है फॉल आउट। अब देखिए फॉल आउट का मतलब बहुत कई बार पूछा गया आपके एग्जाम्स में, बहुत फेमस ये फ्रेजल वर्ब है फॉल आउट। वैसे अगर पढ़ें तो फाल माने होता है गिरना, आउट माने बाहर,
तो क्या बाहर गिरना? नहीं, बिल्कुल अगर ये होता, ये अगर आउट प्रीपोजिशन की तरह यूज होता तो इसका फाल अलग सेंस होता, आउट प्रीपोजिशन की तरह यूज होता तो ये हो जाता बाहर गिरना। लेकिन ये हम फ्रीजल वर्ब पढ़ा रहे हैं और फ्रीजल वर्ब की हमने खास बात बताई है कि जो मेन वर्ब उससे जुड़ा होगा और जो प्रीपोजिशन जुड़ा होगा वो दोनों एक ही मीनिंग देंगे। ये नहीं कि फाल का लगे आउट का लगे, वरना वो फ्रीजल वर्ब नहीं बनेगा। ओके, तो बेटा फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना। कहते ना छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करते, डोंट फॉल आउट ओवर पेटी थिंग। आप फॉल आउट बहुत करते हैं, आप क्वेरल बहुत करते हैं, झगड़ा बहुत करते हैं, डोंट फॉल आउट, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करते, डोंट फॉल आउट ओवर ट्राइफल्स। ओके, वैसे तो फॉल माने गिरना, आउट माने बाहर, तो बाहर नहीं गिरना क्या मतलब होता है? झगड़ा करना, कि बाहर गिर पड़े तो घर में झगड़ा कर रहे हैं, कैसे तैयार करके भेजा कि हम बाहर गिर पड़े। तो फॉल आउट ध्यान रखेंगे क्या होता है, झगड़ा करना। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है डू अवे भी। देखिए डू माने क्या होता है बच्चे, करना होता है। अवे माने क्या होता है, दूर, मतलब किसी चीज को दूर करना, मतलब खत्म करना, हटाना। इरेडिकेट वर्ड आपका लिखा है और इस इरेडिकेट का मतलब आपको होता है किसी चीज को खत्म करना, कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाना चाहिए। करप्शन शुड बी डन अवे विद, करप्शन शुड बी डन अवे विद, आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। टेररिज्म शुड बी डन अवे या मस्ट बी डन अवे विद। तो डू अवे विद का मतलब बेटा किसी चीज को दूर करना, खत्म करना, हटाना। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है फिजल आउट। फिजल आउट का मतलब बेटा आपका होता है अदृश्य होना। अब फिजल आउट लगा दिए कोई बात नहीं, फिजल आउट दोनों का मतलब ध्यान रखेंगे, अदृश्य होना और धीरे धीरे अदृश्य होने के लिए यूज करते हैं फिजल आउट या ये। तो बेटा ये लिख सकते हैं आगे ग्रेजुअली, धीरे धीरे कोई चीज नष्ट होना, उसको हम क्या कहते हैं, फिजल आउट। कहते ना ये चीजें धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी, दीज थिंग्स विल फिजल आउट। तो फिजल आउट का मतलब होता है कोई चीज धीरे धीरे नष्ट हो जाना, डिसअपीयर हो जाना, उसके लिए यूज क्या करते हैं, फिजल आउट का प्रयोग करते हैं। तो फिजल आउट का मतलब आपको होता है नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, फिजल आउट। ओके, ध्यान रखेंगे कि ये चीजें एक दिन धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी, दीज थिंग्स विल फिजल आउट वन डे। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे लिखे कॉर्डन ऑफ। देखिए कॉर्डन ऑफ का मतलब बेटा अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कॉर्डन ऑफ, जो बच्चे आपको होता है नाकाबंदी करना, घेराबंदी कर देना, नाकाबंदी कर देना, मतलब जिस एरिया में लोगों के आने जाने को रोक दिया गया हो पूरा एरिया नाकाबंदी कर दिया गया हो, जैसे कहीं ब्लास्ट वगैरह हो जाता है तो आर्मी पहुंच जाते, पूरे एरिया को नाकाबंदी कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डन ऑफ। तो बेटा कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है जिस एरिया को नाकाबंदी कर दिया गया, दिस एरिया हैज बीन कॉर्डन ऑफ। तो कॉर्डन ऑफ ध्यान रखना, नाकाबंदी करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसर्किल करना, इनसर्किल द एरिया। नेक्स्ट जो बेटा आपका लिखा हुआ इस पा, देखिए तीन फ्रीजल वर्ब पर बेटा गौर करेंगे, इन तीनों का एक ही मतलब होता है, क्या मतलब होता है आइए देखते हैं। स्पार्क ऑफ, गिव राइज टू एंड ट्रिगर ऑफ, इन तीनों का मतलब होता है कारण बनना। लिखा हुआ काज समथिंग टू हैपन, जब कोई चीज किसी का कारण बनते हैं, तो तीनों का मतलब लिखेंगे किसी चीज का कारण बनना या जन्म देना। जन्म देने का मतलब पैदा करने वाले का सेंस नहीं है, परिस्थिति या स्थिति या रिजल्ट के केस में यूज करते हैं किसी चीज का कारण बनना। जैसे कहा जाए कि आपकी लापरवाही आपकी असफलता का कारण बनेगी, तो योर केयरलेसनेस विल स्पार्क ऑफ योर फेल्योर, गिव राइज टू योर फेल्योर एंड ट्रिगर ऑफ योर फेल्योर। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो गिव राइज टू कहें, स्पार्क ऑफ कहें, और आप यदि कहें ट्रिगर ऑफ कहें, तीनों का मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना, कि गरीबी कई बुराइयों का कारण बनती है या कई बुराइयों को जन्म देती है, तो पॉवर्टी गिव्स राइज टू मैनी एविल्स। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से इन एप्पल पाई ऑर्डर में। तो आइए जरा देखते हैं स्पार्क ऑफ। तो बेटा देखो ऐसे तो स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी। अब सीधी सी बात है, अगर कहीं चिंगारी आपको दिखाई दे रही है तो आग तो लगी ही होगी कहीं ना कहीं, तो चिंगारी क्यों आ रही, चूंकि आग लगी तो कारण बना के नहीं बना। अब गिव माने होता है देना और राइज माने क्या होता है, बढ़ना। तो कोई आदमी बढ़ा कब, जब आपने उसको सपोर्ट दिया, मदद दिया, तो आपकी सपोर्ट ही तो कारण बनी उसके सक्सेस का। या ट्रिगर, ट्रिगर माने होता है ना बंदूक का दबाने वाला ट्रिगर होता है, और उसको दबाएंगे तो कोई ना कोई खत्म हो जाएगा, तो कारण बनेगा कि आपने गोली चलाई थी इसलिए वो निकल गए। तो इन तीनों फ्रीजल वर्ग का मतलब ध्यान रखेंगे कारण बनना, गिव राइज टू या स्पार्क ऑफ या ट्रिगर ऑफ। तो तीनों को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, गिव राइज टू, ट्रिगर ऑफ, स्पार्क ऑफ, तीनों का मतलब ध्यान रखेंगे कारण बनना। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है टिप ऑफ। देखिए बेटा टिप ऑफ, टिप ऑफ का मतलब होता है
किसी को किसी के बारे में सूचित करना, जो कुछ होने वाला है या जो कुछ हुआ है अगर उसकी सूचना आप किसी को पहले ही बता देते हैं तो क्या कहते हैं, टिप ऑफ, कि आपने तो उनको टिप ऑफ कर दिया कि ऐसा होने वाला है। एक प्रकार से चुगली करना भी आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो टिप ऑफ का मतलब इंफॉर्म करना, सूचित करना, सूचना देना, उसको हम कहते हैं टिप ऑफ, टिप ऑफ करना। नेक्स्ट जो बेटा आपके लिए क्या, सी ऑफ, ये तो आपने सुना होगा, बहुत फेमस फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है अलविदा, कि आपने फेयरवेल किया, सी ऑफ किया, तो सी ऑफ का मतलब आपको होता है अलविदा होता है। किसी को आप जब अलविदा करते हैं, विदा करते हैं, उसके गंतव्य स्थान तक, मतलब जहां से वो सेपरेट होता, अलग होता है, वहां तक अगर किसी को छोड़ने जाते हैं तो वहां के लिए यूज करते हैं क्या, सी ऑफ। नेक्स्ट जो बेटा आपका लिखा हुआ है स्टेव ऑफ। देखिए बेटा जो स्टेव ऑफ है ये एक फ्रेजल वर्ब है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और इसका मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट, रोकना, टालना, कि किसी प्रकार से आप इस युद्ध को स्टेव ऑफ करिएगा। इफ यू डोंट स्टेव ऑफ दिस बैटल, यदि आप इस युद्ध को नहीं रोकेंगे तो बहुत बड़ी त्रासदी होगी, अ लॉट ऑफ डिसास्टर विल ब्रेक आउट, बहुत बड़ा संकट बवाल खड़ा हो जाएगा, कई लोग मारे जाएंगे, भारी नुकसान होगा, हैवी लॉस विल ब्रेक आउट या टेक प्लेस। तो बेटा ये थे अभी तक के चुनिंदा फ्रेजल वर्ब्स जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिनको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और आगे भी इसी प्रकार से डिस्कशन चलेगा। आप मेरे साथ इन चीज़ों को देखते रहिएगा, इन चीज़ों का आनंद लेते रहिएगा, पढ़ते चलिएगा, मेरे साथ पढ़ते चलिएगा और जो जो वीडियो मैं अपलोड करते जा रहा हूँ आप उसको अच्छे से अध्ययन करते चलिएगा, ताकि चीज़ें निरंतर पेरिनियली अच्छे से तैयार होती चलेंगी। अगर कहीं किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल मेरे से शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आज जो ये हम मैंने पार्ट बनाया है फ्रेजल वर्ब का, आप इसको अच्छे से पढ़िए दो तीन बार, जहां कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करें। तो इसमें आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।